हम चलते दौड़ते भागते खाना खाते हुए सोते हुए नहाते हुए किसी ना किसी को टेक्स्ट जरूर कर रहे होते हैं, और जब हम इतना टेक्स्ट करते हैं इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो कहीं ना कहीं हमसे एक बार तो ये गलती हो ही जाती है कि हम गलत मैसेज किसी गलत इंसान को भेज देते हैं, और जब वो होता है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि डैम अब क्या होगा, उसने मैसेज पढ़िया, मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो अगर आप कभी भी आगे चलते ऐसी सिचुएशन में फंसे, तो पैनिक करने के बजाय हमें उस समय अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करें कि अपने मैसेज को डिलीवर होने से पहले ही अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए, और जैसे ही आप अपने अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाला तो वो जो मैसेज है उसकी डिलीवरी फेल्ड दिखाएगी, और जब डिलीवरी फेल हो जाएगी तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बहुत अच्छे से बच जाएंगे, और आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वॉज मोनिका'स टिपी टिपी टॉप फॉर द डे। वेल, हम आपको एक और चीज़ के बारे में सतर्क करना चाहते हैं। अगर आप सबने अभी सुना ही होगा कि निपा वायरस बहुत अभी फैला हुआ है और सब जगह चर्चा में है, और केरला में अभी वो हिट किया है, और काफ़ी लोगों ने वहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू दिस। सो जस्ट दिस इज अ मैसेज टू यू कि आप प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि जो वो वायरस है काफ़ी कंटेजियस और कम्युनिकेबल है। सो मेक श्योर कि आप थोड़े वो पेशेंट्स के साथ भी वो कंटामिनेशन हो सकता है, एंड ऑल्सो ये पिग्स और बैट्स से भी आपको आग लग सकता है। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखें, एंड ऑल्सो अवॉइड खजूर के प्रोडक्ट्स। आप खजूर खाना थोड़ा अभी कुछ समय के लिए अवॉइड करिएगा। सो बी केयरफुल। मूविंग ऑन टू सम पिक्चर्स, हमें फैन पिक्चर्स आए हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर आपके पास अपने पुराने वॉकमैन की फोटोग्राफ है तो हमें भेजिएगा। तो ये फोटोग्राफ हमें भेजी है क्षितिज बापना ने, और उन्होंने बताया कि उनके दादाजी ने ये जो वॉकमैन है उनके बड़े भाई को गिफ्ट किया था उनकी बोर्ड एग्जाम्स के दौरान, ये कहते हुए कि आई होप ऑल द बेस्ट और आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, और 7 साल बाद भी ये जो वॉकमैन है ये एकदम अमेजिंग काम कर रहा है। अनादर फोटोग्राफ हम आपको दिखाना चाहते हैं सार्थक गुप्ता की। ये थोड़ी सी ये हम आपको एक केक की फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, वॉकमैन की नहीं। सार्थक गुप्ता ने हमें एक ट्वीट किया ये कहते हुए कि उनका बर्थडे था और उन्हें किसी ने भी विश नहीं किया उनके मम्मी पापा और बाबा और दादी के अलावा। सो दिस इज अ विश, वेरी हैप्पी बर्थडे गोइंग टू यू सार्थक गुप्ता, फ्रॉम मोनिका, फ्रॉम हिप्पो जी, फ्रॉम द एंटायर लोको नेशन। So I hope your birthday went really well, और आगे आने वाले समय में भी आपका बर्थडे बहुत अच्छा रहे। प्राइज मनी है पूरे 50,000 रुपए, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्विज। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। व्हाट इज अ स्विमिंग पूल मोस्ट लाइकली टू बी फिल्ड विथ, मिल्क, वाटर या पॉइजन? यार ये जब ऐसे वॉर्मअप सवाल होते हैं ना तो हमारा एक्साइटमेंट और डबल हो जाता है ये सोचने के लिए कि इसमें गलत आंसर कौन देगा। मतलब आज देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसमें दूध बोलते हैं, क्योंकि दूध तो हम कहीं ना कहीं सिर्फ लक्स के एड में उन सेलिब्रिटीज को नहाते हुए देखते हैं, वहीं दूध में नहाना दिखाई देता है। द राइट आंसर फॉर यू, और लोगों ने दूध बोला है, द राइट आंसर फॉर यू इज वॉटर। वेल, पता है हमें स्विमिंग से काफ़ी डर था, तो हमने पिछले साल ऐसा चैलेंज लिया कि आई एम गोइंग टू फेस इट एंड आई एम गोइंग टू गो एंड लर्न स्विमिंग, एंड एक्चुअली आई लर्न स्विमिंग। So I'm going to tell you that please go out there and face your fears. You never know, you might just come out as a winner. Question number 2. Which of these countries is located to the south of India? Bangladesh, Afghanistan, or Sri Lanka? I'm sure आप लोगों ने अपनी geography बहुत अच्छे से पढ़ी है, और आप इस map, हमारे जो इस हिंदुस्तान और दुनिया के map हैं उससे काफ़ी अच्छे वाकिफ हैं, तो आपको इसका सवाल, इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से पता होगा। द राइट आंसर फॉर यू इज श्रीलंका, एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द पॉप स्ट्रेट। क्या आपको पता है? Fund the global finance term IMF, International Dash Fund, Monetary Management, या Multi Finance? Well, this question is for you. I hope you guys get it right. We are on question number 3 right now. And let me tell you that IMF is an international organization headquartered in Washington, D.C. The right answer for you is monetary. And we have got about 63,000 people who have got it right. A big congratulations to you guys. 7 more questions ahead of you. Let me tell you that this was formed in 1945 and 72 years ago as of 2016. We're going to move to question number 4. Which of these high courts has jurisdiction over the maximum number of states? Delhi, Kolkata, or Guwahati?
अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में हैं तो आई एम श्योर आपको इसका जवाब बहुत अच्छे से पता होगा. एंड लेट मी टेल यू दैट द गुवाहाटी हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st March 1948 आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड. द राइट आंसर फॉर अस इज गुवाहाटी एंड वी हैव गॉट अबाउट 34,000 पीपल हैव गॉट इट राइट. इट हैज द लार्जेस्ट jurisdiction in terms of states with its area covering the states of Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram. We are going to move to question number 5 for you. Just hold your breath and calm down. Who invented the crescograph? C.V. Raman, J.C. Bose or S.N. Bose? Let me tell you what a crescograph is to begin with. A crescograph is a device for measuring the growth in plants. I'm sure हम सब अपने गार्डन में बाहर बगीचे में बहुत सारा समय बिताते हैं ये सोचते कि यार ये प्लांट उगता कब है, इसकी हाइट कब लगी होती है, हमें दिखाई क्यों नहीं देती है. वेल उसके लिए होता है क्रेस्कोग्राफ. द राइट आंसर फॉर यू इज जेसी बोस. आई टेल यू Automobile companies was founded the earliest, BMW, Volkswagen या Chrysler. Well, I'm sure आप सबको cars का बहुत ज़्यादा शौक होगा और जब भी हम कोई ऐसी बड़ी सी कार देखते हैं तो कहते हैं वहीं के वहीं अटक जाते हैं ना उसको, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक उसे follow ज़रूर करते हैं कि यार एक दिन मेरे पास भी ऐसी कार होनी चाहिए. The right answer for you is BMW. We have got about 12,000 people have got it right and BMW was founded in 1916 and has its headquarters in Munich, Bavaria. And the Chrysler company was founded by Walter Chrysler on June 6, 1925, whereas Volkswagen was founded in 1937. Question number 7. Who was the first Deputy Prime Minister of India? Morarji Desai, Lal Bahadur Shastri, Vallabh Bhai Patel. Well, usually also holds a key cabinet portfolio such as Home Minister or Finance Minister. So I'm sure you know this person's name very well and the right answer for you is Vallabhbhai Patel. We have got about 15,000 people have got it right and Vallabhbhai Patel was also the Home Minister. In Japan, all of you guys who are winning this, I'm going to keep my fingers crossed.